आप गलती नहीं कर रहे, आप जेन्युइन कर रहे हैं, आपके अराकीन की तादाद पूरी है, आप उसी बुनियाद पर आपने जनरल सीटों पे खर्च करा, उस पर आपने खवातीन पे करा, आपने तो ही नहीं करा कि खवातीन की चार नशस्तें कर देते हो और अकलियत दे करते हैं, बल्कि आपने शायद एक सीट सात नौ दस अगर शायद 12 नशस्तें अगर या 11 हैं तो उसमें एक कमी की होगी क्योंकि आपने गुंजाइश रखी है, लेकिन जिसकी एक भी सीट नहीं हो तो प्री पोल रिंगिंग है। अगर इसकी मुनासबत से दी नहीं हो सीटें किस पार्टी के कितने हैं तो फिर इलेक्शन की तो जरूरत नहीं है ना, तो वैसे ही अपने नोटिफिकेशन दे दें इस पार्टी के इतने 5.5 इसके 5.75 इसके दे सकते हैं, लेकिन इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं कि जो मेंबर साहिबान हैं सूबाई असम्बलियों के वो अपनी पसंद बता सकें, और इसीलिए सीक्रेट इलेक्शन हो रहे हैं सीक्रेट बैलेट के जरिए से वो फ्रीली। यही तो मुझे यही तो मुश्किल है, ये जभी तो मैं आपको हासिल बेनजो का याद दिला रहा हूँ, और उस वक्त पता चला कि नून लीग ने भी वोट दिया था हासन जरानी को और पीपल पार्टी ने भी वोट दिया था, अब तो ये भी साबित हो गया है। हासिल बिजंजो साहब का आप हासिल बिजंजो साहब का फरमा रहे हैं जी, हासिल बिजंजो साहब का जो है वो फरमा रहे हैं क्या मतलब? हासिल बिजंजो के साथ जो कुछ हुआ नहीं वो हमने इसीलिए एकमत अमली के तौर पे पहले मेंबर साहिबान को कहा था कि जी खड़े हो जाएं मोशन के लिए ताकि असल काउंट हो जाए, तो हासिल बिजंजो तो जीते हुए थे लेकिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। ये जो है ये साहब मैं आखिर में पूछूंगा, ये प्री पोल रिंगिंग है कि जिस आदमी का एक वोट ना हो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और एमकेएम के लोगों को टिकट दे, ये प्री पोल रिगिंग है, उनसे पूछा जाएगा भाई आप एक तो वोट बता दिए आपका अपना हो, आपकी साबिका तहरीक इंसाफ का हो। देखिए जो इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं तो मैं उस कमेटी का चेयरमैन था जिसने ये किए, तो मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ जिम्मेदार आदमी हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि कानून के कहीं खिलाफ होती है या नहीं।